वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की इस सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करिए। तो अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन अ करंट रेशियो करंट एसेट्स आर कंपेयर्ड विद करंट प्रॉफिट, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट या इक्विटी शेयर कैपिटल। तो करंट रेशियो का फार्मूला ही हम लोगों ने पढ़ा था। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा करंट लायबिलिटी, आंसर नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ डिटोरिएशन इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, व्हाट डज इस रेफर टू। अगर किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल कम हो रही है तो क्या माना जाएगा? तो देखिए, दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज रिड्यूस, दैट द प्रॉफिट हैज गॉन अप, द डेटर कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज एंड द सेल हैज डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वर्किंग कैपिटल का इसमें से कौन सा पार्ट है। तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट एसेट होती है और करंट लाइबिलिटी होती है। और करंट एसेट में क्या जाते हैं आपके, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं आता, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं आती है, लेकिन डेटर्स आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, डेटर कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज्ड। क्योंकि डेटर कलेक्शन पीरियड अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड अपॉन टैक्स रेट, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल, लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क। तो थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, सही आंसर जो है वो है आपका फोर्थ आंसर, लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क। हम लोगों ने फाइनेंशियल रिस्क को पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में। इन इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेशन व्हाट इज टेकन इन एन्यूमरेटर, क्या लिया जाएगा? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा इसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कैश बजट डज नॉट इंक्लूड, कैश बजट में क्या क्या नहीं आता है? तो कैश बजट में क्या 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 नहीं आता है, डिविडेंड पेबल, पोस्ट पेड सॉरी पोस्टल एक्सपेंसेस, इशू ऑफ शेयर या टोटल सेल फिगर। तो देखिए, इसमें टोटल सेल फिगर नहीं आती है, कैश बजट में केवल कैश सेल आती है, केवल कैश सेल ही इसमें आती है, टोटल कैश सेल इसमें नहीं आती है, सॉरी हाँ। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोटिव टू होल्ड कैश, जरूर पढ़ लीजिएगा, मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश आपकी बुक में दे रखे हैं, हेडिंग्स जरूर याद कर लीजिएगा, उन्हीं में से एक मोटिव पूछा जा सकता है। पहला मोटिव है ट्रांजेक्शनरी मोटिव, फिर है प्रिकॉशनरी मोटिव, फिर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और आखिरी है नन ऑफ द अबव। तो सिक्स का तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ट्रांजेक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव जो होते हैं ये मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक डिपॉजिट इन द बैंक मे नॉट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज ड्यू टू पेमेंट फ्लोट, रिसिप्ट फ्लोट, नेट फ्लोट या प्लेइंग फ्लोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का। जब आप पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट तो उसमें होगा, साथ साथ उसमें आपको पढ़ना होगा आपका कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा कैश की पेमेंट डिले करी जाती है, उसी में एक आप पढ़ेंगे फ्लोट। फ्लोट में जो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा रिसिप्ट फ्लोट, आंसर नंबर बी। एट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द पासबुक ड्यू टू, किसके कारण होता है बैंक बैलेंस में और कैश बुक में डिफरेंस जो आता है या पासबुक में डिफरेंस आता है वो किसके कारण होता है? वो होता है फ्लोट के कारण। क्योंकि आंसर सही क्या होगा इसका, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, फ्लोट। एट्थ क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन को। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन बैंकिंग मेथड ऑफ कंट्रोलिंग कैश में आप पढ़ेंगे कंसंट्रेशन बैंकिंग और लॉक बॉक्स सिस्टम। इसमें कंसंट्रेशन बैंकिंग का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कंसंट्रेशन बैंकिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग आइडियल कैश बैलेंस, इंक्रीजिंग कलेक्शन, इंक्रीजिंग क्रेडिटर, रिड्यूसिंग बैंक ट्रांजैक्शन। तो नाइन्थ का सही ऑप्शन होगा इंक्रीजिंग कलेक्शन। कंसंट्रेशन बैंकिंग जो होती है वो
कलेक्शन की सुविधा को बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें जो डेटर्स होंगे वो कलेक्शन सेंटर पे जाकर अपने पैसे जमा, अपने जो भी उन्होंने डेटर्स पैसे ले रखे होते हैं क्रेडिट सेल के थ्रू उसको दे देंगे, जिसके कारण जो क्रेडिट कलेक्शन पीरियड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, साथ साथ कलेक्शन की सुविधा भी बढ़ जाएगी। तो नाइन था हमारा कंसंट्रेशन बैंकिंग का बी ऑप्शन, इंक्रीजिंग कलेक्शन। ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग कैश इज फॉर, किस लिए होता है ट्रांजैक्शन मोटिव? तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है हमारे डेली ऑपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस पर कंसीडर किए जाते हैं। मिलर ओल्ड मॉडल, दो मॉडल हम लोगों ने पढ़े थे कैश मैनेजमेंट के, एक पढ़ा था मिलर ओल्ड मॉडल और एक पढ़ा था बाउमोल मॉडल। मेयर और बाउमोल मॉडल था जिसकी हेल्प से हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल कैश या ऑप्टिमम कैश निकाल सकते थे। मिरर मोड मॉडल भी जो था वो इसको ही ऑप्टिमम कैश निकालने की एक टेक्निक के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। 11th क्वेश्चन हमारा, मिरर और मॉडल डील्स विद ऑप्टिमम कैश बैलेंस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्टिमम कैश बैलेंस। याद रखना है बाउमोल मॉडल भी ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए ही यूज किया जाता है। फ्लोट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, फ्लोट मैनेजमेंट किसका मैनेजमेंट है? कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट या रॉ मटेरियल मैनेजमेंट। तो 12th का राइट आंसर होगा कैश मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये तीनों आंसर गलत होंगे। सही आंसर इसमें कैश मैनेजमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट? मैक्सिमाइजेशन ऑफ कैश बैलेंस, मिनिमाइजेशन ऑफ कैश बैलेंस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैश बैलेंस या जीरो कैश बैलेंस। नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट नहीं होगा, इसमें गलत है, ये नॉट नहीं है, है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट का है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैश बैलेंस। ये सही आंसर होगा आपका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैश बैलेंस, यहाँ नॉट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैश बजट? कैश बजट इनकेट द टाइमिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बारोइंग, कैश बजट बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो कॉन्सेप्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉ इज शोन ऑन अ कैश बुक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कैश बजट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट। 15th है हमारे बाउमोल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट इज अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द होल्डिंग कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कैश बैलेंस या मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो जो बाउमोल मॉडल था वो हमारा बेस था मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को मिलाकर होने वाली जो टोटल कॉस्ट है वो कैसी हो, मिनिमम हो, जिसके कारण जिसमें हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैलकुलेट कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर बाई द मिलर और मॉडल? मिलर और मॉडल ने इसमें किसको कंसिडर नहीं किया है? वेरिबिलिटी ऑफ कैश रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, होल्डिंग कॉस्ट या टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो सही आंसर होगा बाउमोल मॉडल की तरह इन्होंने टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश को कंसिडर नहीं किया है, इन तीनों को कंसिडर इन्होंने अपने मॉडल में किया है। मार्केटेबल सिक्योरिटी आर प्रीमिनरी इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, फिक्स डिपॉजिट विद कंपनी है या शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, शॉर्ट टर्म डेप्ट इन्वेस्टमेंट। 5C ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इसमें से 5C के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये तीनों ही जो हैं ये 5C के अंतर्गत आ जाते हैं। आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द एलिमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, कौन सा इसमें क्रेडिट पॉलिसी का एलिमेंट नहीं है? तो देखिए क्रेडिट टर्म है, कलेक्शन पीरियड है, क्रेडिट डिस्काउंट टर्म भी है। सही आंसर जो होगा इसका कौन सा नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, कैश सेल प्राइस जो है वो क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। एजिंग शेड्यूल इनकॉर्पोरेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिटर एंड डे आउटस्टैंडिंग, डेटर्स एंड डे आउटस्टैंडिंग, एवरेज एज ऑफ डायरेक्टर या एवरेज एज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो राइट आंसर क्या होगा, एजेंसी शेड्यूल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो वो रिलेटेड है डेटर और डे आउटस्टैंडिंग से। बैड डेट कॉस्ट इज नॉट बॉर्न बाय द फैक्टर इन केस ऑफ पोर फैक्टरिंग, विदाउट रिकोर्स रिजर्व फैक्टरिंग या विद रिकर्स फैक्टरिंग या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बैड डेट को किसमें कंसिडर नहीं किया जाता है? 21 का सी ऑप्शन, विद रिकर्स फैक्टरिंग में बैड डेट को कंसिडर नहीं किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, कौन सी इसमें टेक्निकल रिसीवेबल मैनेजमेंट की नहीं है। तो देखिए फंड फ्लो एनालिसिस जो है ये टेक्निक जो है ये रिसीवेबल मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, ये कैश मैनेज की टेक्निक में कंसीडर की जाती है। ये तीनों की तीनों टेक्निक जो है ये आपकी रिसीवेबल मैनेजमेंट की टेक्निक में आती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोई ऑप्शन दे रखे होंगे कौन सी टेक्निक रिसीवेबल मैनेजमेंट की है, तो हो सकता है उन तीनों में से कोई ऑप्शन एक आपको दे रखा हो। 23rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, कौन इसमें क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो देखिए 23rd का कलेक्शन अफर्ट पार्ट है, कैश डिस्काउंट ये भी क्रेडिट पॉलिसी में आता है, क्रेडिट स्टैंडर्ड भी आता है, पेइंग प्रैक्टिस ऑफ डेटर ये जो है ये क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। विच इज नॉट द सर्विस ऑफ फैक्टर, फैक्टर की इसमें से कौन सी सर्विस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजर अकाउंट ये सर्विस है, एडवांसिंग अगेंस्ट क्रेडिट सेल ये भी है, अज्यूमिंग बैड डेट, तीनों ही सर्विस जो है ये सर्विस किसकी है फैक्टर की है। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। 25th क्वेश्चन है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म शुड नॉट इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सेल्स एंड इंक्रीज्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल, सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स, बोलिया आखिरी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ बिटवीन इंक्रीज्ड प्रॉफिट एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा आपका, 25th का बी ऑप्शन। फिर आते हैं 26th पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के रिगार्डिंग इनमें से क्या चीज सही नहीं है, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट बिटवीन फैक्टर एंड सेलर, सेल ऑफ रिसीवेबल टू द फैक्टर, फैक्टर प्रोवाइडिंग फ्री कॉस्ट फ्री टू सेलर, या नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा सी ऑप्शन फैक्टर प्रोवाइडिंग कॉस्ट फ्री फाइनेंस टू सेलर, पेमेंट टू क्रेडिटर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कैश हेल्ड फॉर, तीनों ही मोटिव आपके हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव 27 का कैश क्रेडिटर इज। एक मिनट, आपका जो 27th का क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, तीनों ही मोटिव हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर ये आपका थोड़ा सा गलत है आंसर, पेमेंट टू क्रेडिटर जो होगा वो आपका रिलेटेड होगा ट्रांजेक्शनली मोटिव से रिलेटेड। 28th क्या है, इफ द कैश बैलेंस ऑफ रिसीवेबल इज लेस देन द ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ देन विच वन इज ट्रू ऑफ, कलेक्शन इज ग्रेटर देन करंट परचेज, कलेक्शन इज ग्रेटर देन करंट सेल, कलेक्शन इज लेस देन करंट परचेज या कलेक्शन इज लेस देन करंट सेल। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्शन इज ग्रेटर देन करंट सेल। 29th क्वेश्चन है, इफ द एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर हैज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट शोन चेंज इन जनरल, एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो क्या चीज बढ़ जाएगी, 29th बी एवरेज पेबल जो होगा वो नॉट माइट नॉट शोन इन जनरल, स्क्रूटनाइजेशन इज रिलेटेड रिलेट टू द कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल्स। तो इसका ये होगा हमारे 30 क्वेश्चन जो हमारे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड